उज्जैन में घटित बलात्कार की घटना से पूरे प्रदेश में आक्रोश है। अब मंदसौर से भी एक घिनौनी वारदात सामने आई है, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। आरोपी पीड़ित बच्ची का रिश्तेदार है। शामगढ़ के ग्राम बंजारी में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। घटना सामने आते ही ग्रामीणों में आरोपी के खिलाफ रोष और गुस्सा है। आरोपी शेर सिंह ग्राम फतेहपुर थाना नारायणगढ़ अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा था। वहां उसने अपने रिश्तेदार की 5 साल की मासूम बच्ची को उठाया और जंगल ले जाकर मासूम के साथ बलात्कार किया। बालिका ने घायल अवस्था में घर पहुंचकर अपनी मां को सारी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पीड़ित बच्चे की मां ने थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी महिला अपराध से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। कल थाना शामगढ़ में एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ, उसकी बच्ची गुम गई है और साथ ही साथ उसके साथ गलत हरकत भी की गई किसी के द्वारा। तो जैसे ही पीड़िता जो थाने पहुंची और थाना पहुंचते ही पुलिस ने उसका ढूंढने भी सरगर्म ढूंढने की तरह निकली पुलिस, तो थोड़ी देर बाद ही पता चला कि जो आरोपी है वो बच्ची के साथ देखा गया। तो माँ जैसे बच्ची के पास माँ पहुंची तो उसने शोर मचाया, तो इतने में आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस जब पीड़िता को लेके और माँ को लेके थाने आई तथा उनसे विस्तृत पूछताछ की गई, तो उसमें जान पड़ा कि जो आरोपी है वो पीड़िता का ही दूर का रिश्तेदार है, पीड़िता की माँ का दूर का रिश्तेदार है। और तो वो वहाँ पे अपने एक और साथी के साथ आया हुआ था और पीड़िता के पिता के साथ उसकी दोस्ती है, उनके साथ वो कुछ पार्टी वगैरह भी कर रहा था। तो उसमें उसने एक रात पहले भी बच्ची को बाहर ले जाने का प्रयास किया था, जो कि उसकी माँ ने मना कर दिया था कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु घटना दिनांक यानी कि कल 1 अक्टूबर को सुबह के समय जब उसकी पीड़िता की माँ रोटी बना रही थी, तब वो बच्ची जब बाहर खेल रही थी तो उसको वहाँ से वो उठा के जंगल की तरफ ले गया। बच्ची के ना मिलने के उसमें माँ ने तत्काल ढूंढने का प्रयास किया और पुलिस चौकी में रिपोर्ट के गुमशुदगी के लिए करने के लिए पहुंची। पुलिस भी तत्समय ही साथ में पीड़िता की माँ के साथ में ढूंढने के लिए निकल गई थी। बच्ची से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत करी, उसके साथ मारपीट भी करी जिस पर उसके चोट के निशान भी हैं। तत्समय वहाँ पे प्रिलिमिनरी उपचार कराया गया शामगढ़ में। प्रिलिमिनरी उपचार कराने के बाद एक्स्ट्रा फर्दर सुपरविजन के लिए बच्ची को एम्बुलेंस के माध्यम से मंदसौर सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पे बच्ची की कंडीशन स्टेबल है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।